और दंगा मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं दो सपा विधायक ने लखनऊ जाकर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने उन्हें एक सीक्रेट रिपोर्ट भी सौंपी है। आपको बता दें कि कैंट विधायक मोहम्मद हसन रूमी और आर्य नगर विधायक अमिताभ वाजपेयी ने अब तक की घटना को अखिलेश यादव से बताया है। सपा ने बनाई रिपोर्ट में कहा है कि सत्ता पक्ष के दबाव में भाजपा की विचारधारा के मुताबिक एक पक्षीय कार्यवाही हुई है। रिपोर्ट में जांच के नाम पर कई निर्दोषों को फंसाया गया है। तो वहीं अखिलेश यादव ने तय किया है कि बहुत जल्द सपा का डेलीगेशन कानपुर भेजा जाएगा। इसके साथ ही सपा के लखनऊ के उच्च पदाधिकारी के मुताबिक पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल कानपुर जाकर पीड़ितों और आला अफसरों से बात करेगा। इसके साथ ही अब तक की कार्यवाही में खामियों को तलाशने की कोशिश रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।